नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां खंडवा के सांसद ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहा है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, राहुल मंदबुद्धि हैं, राहुल को देश की संस्कृति धर्म का ज्ञान नहीं, हिंदू पर हिंसक होने का आरोप लगाना गलत है। राहुल गांधी ने संसद में बचकानी हरकतें की, मंदबुद्धि बालक है राहुल गांधी, ये कहना है ज्ञानेश्वर पाटिल का। तो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने राहुल गांधी पर यह टिप्पणी की है, राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहा है, कहा कि जिस तरह की हरकतें राहुल गांधी ने संसद में की वो बचकानी हरकतें हैं, राहुल को धर्म का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान नहीं, संस्कृति का ज्ञान नहीं। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर यह हमला बोला है ज्ञानेश्वर पाटिल ने। हिंदू हिंसक है क्या, हिंदू आक्रामक है क्या, हिंदू विद्रोह पैदा करता है, ये हमारे हिंदू समाज के लिए भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये जो मंदबुद्धि का बालक जो है, जिसको इस देश की संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और वो इस तरह से हिंदू पर इस तरह का आरोप लगा रहा है, ये सरासर गलत है। और हिंदू समाज इसका विरोध भी करता है, और हमारे सभी माननीय सांसदों ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका उत्तर भी दिया है और उनका विरोध भी। तो हिंदू पर हिंसक होने की जो टिप्पणी राहुल गांधी ने की वो गलत है, राहुल गांधी को संस्कृति और ज्ञान का धर्म का ज्ञान नहीं है, और ऐसे में राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताया है खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी कि जो खुद को हिंदू हिंदू होने का दावा करते हैं, जो हिंदू कहते हैं, वो हिंसा करते हैं। तो ऐसे में इस बयान पर आपत्ति जाहिर की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। और बीजेपी की नेता नेहा बग्गा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा, जरा ये बताएं कि अगर राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत है, तो सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए ये टिप्पणी, राहुल गांधी को मंदबुद्धि बालक को बता रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, राहुल गांधी जी जिस डेजिग्नेशन पर बैठे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के, बहुत ही गंभीर दायित्व उनके पास है, जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। हालांकि तीसरी पारी में भी वो बहुमत के आंकड़े के आसपास नहीं आ पाए, इनफैक्ट सेंचुरी भी नहीं लगा पाए, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एक जो आदतन हिंदुओं को जिस तरीके से वो कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी हिंसक, कभी आतंकवादी, कभी सैफरन टेररिज्म, कभी दंगे भड़काने वाला, कभी लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिर में जाया जाता है, इसको देख के लगभग देश की जनता यही मानती है कि राहुल गांधी जी एक अपरिपक्व राजनीतिक राजनीति में एक राजनीतिक व्यक्ति है, और इसीलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार का एक रिएक्शन आया होगा। और निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो प्रश्न किया होगा उसी के उसमें कोई संदर्भ रहा होगा, पर निरंतर राहुल गांधी जी ने अपने ही आचरण से अपने आप को इस कैटेगरी में बना के रखा हुआ है। ठीक है, अवनीश कुंदिला जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से खुद को पोर्ट्रे किया है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से उन पर इस तरह की टिप्पणी की जा रही है, गलती राहुल गांधी की है। पहली बात तो नेहा जी ये बताएं कि राहुल जी ने गलती क्या की, ऐसा कौन सा बयान दिया है, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि नेहा जी उनकी बात को आगे बढ़ा रही हैं जिन्होंने जो बयान दिया है। और राहुल जी की बुद्धि के बारे में कहने की पहले भाजपा सोच ले कि 400 पार के नारे की बात कर रहे थे मोदी जी, 400 पार के नारे पर सवार थे वो, बैसाखियों पर सरकार बना रहे, जनादेश हमने नहीं खोया, जनादेश इनने खोया, हमको तो जनता ने इसने इजाजत दिया, ठीक है हम सरकार नहीं बना पाए लेकिन हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है। और जो 400 पार की बात कर रहे थे और वो बैसाखियों में, सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी जी के विषय में भाजपा के नेता अनर्गल टिप्पणी करके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, या और भी कई नेता हो, ज्ञानेश्वर पाटिल जी की तो मैं समझता हूँ हैसियत ही नहीं है इतनी कि वो भी अपनी हैसियत बनाने का प्रयास करें राहुल जी पर टीका टिप्पणी करके। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक है, और ये कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। ठीक है साहब, हम विपक्ष में हैं,
हमने तो कभी आप भी विपक्ष में रहे, हमने कभी आपके खिलाफ टिप्पणियां नहीं की, बल्कि हमारी सरकारों के जो प्रधानमंत्री मंत्री विधायक रहे उस समय हमने हमेशा विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया। अटल बिहारी वाजपेयी खुद अपनी जीवनी में लिख के गए हैं कि जब वो बीमार थे तो उनको इलाज के लिए राजीव जी ने भेजा था विदेश, तो ऐसा हमने जेस्चर मेंटेन करने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान में ये सत्ताधारी दल जो है भारतीय जनता पार्टी, ये घमंड के घोड़े पर सवार है, ये लोगों इतना घमंड है और ईश्वर ने वो घमंड इस बार चूर चूर किया। चिंता मत करिए, जिस तरह से मांग कर रहे हैं और जो इनके सहयोगी दल हैं जिनकी बैसाखियों पर सरकार बनाई है चंद्रबाबू नायडू, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के पैकेज की मांग कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, चिंता ना करें, कुछ दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर देखेंगे कौन कहाँ है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वही सारंगढ़ से खबर है, नगर पंचायत भटगांव के निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कांग्रेस के पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व एल्डर मेनो ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। अध्यक्ष नर्मदा अमित कौशिक, उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे ने रेजिग्नेशन दे दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को व्हाट्सएप कर यह इस्तीफा भेजा है। कल कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने भटगांव में चक्का जाम किया था, भटगांव के जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। बीजेपी में भी शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां बीएसएफ की लापता लेडी कांस्टेबल के मामले में आखिरी बार रेलवे स्टेशन पर ही नजर आई हैं दोनों लेडी कांस्टेबल। वर्दी पहने स्टेशन पर दिखाई दी हैं, रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 29 दिन से ये दोनों ही लेडी कांस्टेबल लापता हैं। महिला आरक्षक शहाना और उसकी बहन पर अपहरण के आरोप है। गायब आकांक्षा के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल की लेडी कांस्टेबल शहाना के खिलाफ पुलिस ने एक टीम को वेस्ट बंगाल के लिए भेज दिया है। इनपुट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। वहीं खुफिया एजेंसी भी हाई अलर्ट पर है। तो ये फुटेज आप देख रहे हैं जहां शहाना और आकांक्षा दोनों ही नजर आए हैं, दोनों ही अपनी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। बीएसएफ हेडक्वार्टर में अपने फोन को छोड़कर ये दोनों ही लापता हो गए थे। अगली बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां 30 हीरे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। छुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा है। ओडिशा से ये तस्कर आए थे। सभी तस्कर गरियाबंद जिले के रहने वाले हैं। बड़ी खबर गरियाबंद से आपको बता रहे हैं, जहां इन 3 तस्करों को पकड़ा गया है। इनके पास से 30 हीरे भी मिले हैं। छुरा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से 30 नग हीरा की तस्करी करते छुरा पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देखिए यहाँ पर ये हीरा आप देखिए जो जब्त किया गया है, लगभग 1,30,000 रुपए का ये हीरा है। और इस अवैध स्तर की ये तस्करी कर रहे थे, ओडिशा राज्य की ओर से आ रहे थे। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मोंगरा के पास एक कार्रवाई हुई है और इस बड़ी कार्रवाई में देखिये 3 आरोपी जो है पुलिस की हिरासत में है। 3 तस्कर जो है गरियाबंद जिले के रहने वाले है, सदाराम, आनंद राम और चंद्रशेखर। ये 3 आरोपी को छुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नया कानून लागू होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई छुरा पुलिस के द्वारा किया गया है और इनसे जो है जो 30 नग हीरे जब्त किए गए हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। तो ये बड़ी कार्रवाई से कहीं ना कहीं अवैध तस्करी पर अंकुश लगते नजर आ रहा है और हीरा को जिस तरह से ओडिशा राज्य से लेकर आ रहे थे और घेराबंदी कर मोंगरे के पास इन तस्करों को पकड़ा गया है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। अगली खबर कोंडागांव की है, जहां पर खबर का बड़ा असर हुआ है। लापता छात्राओं को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। स्कूल से ही दोनों छात्राएं लापता हो गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई। दोनों ही छात्राओं को फरस गांव से ढूंढ निकाला है। पुलिस दोनों ही लड़कियों से पूछताछ कर रही है। स्कूल प्रबंधक से भी पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। ये खबर दिखाई गई उसके बाद एक्शन में आई पुलिस और इन लड़कियों को ढूंढ निकाला गया है। तो 2 छात्राएं स्कूल से लापता हो गई थी। लापता छात्राओं को अब ढूंढ निकाला गया है। अगली खबर